हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ सरोजनी का एक और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड हम इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं एंड गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करेंगे। सो मुझे पता है आप गिव अवे के विनर्स जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो मैं इस वीडियो में गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में कहीं भी मैं अनाउंस कर सकती हूँ, सो मिस मत करना। एंड जो भी विनर्स हो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिए ताकि हम आगे की प्रोसेस कर सकें। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं एक और गिव अवे रख रही हूँ इसी वीडियो में। सो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कमेंट करना है एंड नेक्स्ट जो भी विनर्स होंगे उसका अनाउंसमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। सो चलिए हम फटाफट से सरोजनी नगर को एक्सप्लोर करते हैं एंड मज़े लेते हैं इस वीडियो का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड सरोजनी में विंटर कलेक्शन आ चुका है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सरोजनी पहुंचने का सबसे बेस्ट वे है मेट्रो। आप मेट्रो के गेट नंबर 1 से निकले, देन जस्ट सामने आपको सरोजनी का गेट नंबर 3 मिलेगा। सो वहाँ से आप इजीली एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर सेल लगती है जो कि आपको मस्त कपड़े मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको H&M के कपड़े मिल रहे थे गाइस, H&M की टी शर्ट्स मिल रही थी ओनली ऑन 200 रुपीज़ में। आप देख रहे हो यहाँ पे H&M का लोगो भी लगा हुआ है सब कुछ। अगर आपको इस तरीके की टी शर्ट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो। और अगर आप वेयर करोगे ना, मैं कह रही हूँ कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको सरोजनी से ली है या H&M से ली है। सो कुछ इस तरीके की आपको टी शर्ट्स मिल जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के ओवर साइज टी शर्ट भी मिल जाएगी जिसका कलर और प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये ओनली 200 रुपीज़ की थी। इनका फैब्रिक भी अच्छा था और प्रिंट देख रहे हो आप, सारे टी शर्ट्स पर अलग अलग तरह के प्रिंट्स दे रखे हैं। और ये भैया क्लेम भी कर रहे थे कि ये वॉश होने के बाद इनका कलर बिल्कुल फेड नहीं होने वाला है। यहाँ पे आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 200 की सेल थी, 200-250 की सेल में आपको कुछ इस तरीके के हील्स मिल जाएंगे जो कि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। और मुझे इसमें से पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो ये कुछ इस तरीके की हील्स का यहाँ पे ऑप्शन है जो कि बहुत ही यूनिक थी। एंड आपको हर तरीके की न्यू वेराइटीज़ में हील्स का कलेक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। और कुछ इस तरीके की शॉप होती है सरोजनी नगर में। सो यहाँ पे मैं आपको फ्लैट का कलेक्शन भी दिखाने वाली हूँ गाइस। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको 200 में फ्लैट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड जितने भी यहाँ पे फ्लैट के ऑप्शन थे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कलेक्शन, बहुत ही न्यू कलेक्शन लग रहा था। सो डेफिनेटली मैंने भी यहाँ से 2 से 3 फ्लैट बाय करी है बिकॉज अभी नवरात्रि का टाइम आने वाला है, फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको ये शॉप दिखा देती हूँ गाइस। तो शॉप का नंबर है 108 एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके की कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, कुर्ती का कलेक्शन मिलेगा, शर्ट का कलेक्शन मिलेगा, टॉप का कलेक्शन मिल जाता है। सो सारी तरीके का कलेक्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा गाइस। सो गाइस, यहाँ के जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे लगता है कि ये जितनी भी बार हम वॉश करेंगे बिल्कुल भी इसका कलर फेड नहीं होने वाला है, एज इट इज़ रहने वाला है। और एक कपड़े से इससे ज़्यादा हमें क्या ही एक्सपेक्टेशन होती है, राइट? सो यहाँ का कलेक्शन मुझे अच्छा लग रहा था। सो मैंने शॉप नंबर दे दिया है, सो डेफिनेटली चेकआउट करना। बिक्सी वाली लाइन में गाइज आपको कुछ इस तरीके के स्टॉल्स डेफिनेटली चेक करने चाहिए बिकॉज यू नो अभी नवरात्रि आने वाली है, तो कुछ इस तरीके से नवरात्रि का कलेक्शन यहाँ पे भर भर के देखने को मिला है। और कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे सेट मिल जाएंगे जो कि आप नवरात्रि में जब अगर वेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो डेफिनेटली आप उनको चेक कीजिए। एंड कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको कुर्तीज़ मिल जाती है। सो इन कुर्ती का प्राइस यहाँ पे है 250 रुपीज़ और यहाँ पे ये पूरे कॉर्सेट का प्राइस होता है 350 रुपीज़ जो कि कलेक्शन वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड 250 और 350 की रेंज में यहाँ का जो कलेक्शन था बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक लग रहा था, एकदम नवरात्रि वाइब्स आ रही थी। सो डेफिनेटली ऐसी कुर्तीज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि इनका जो कलर्स, मटेरियल, प्रिंट जो भी था सब कुछ बहुत ही अच्छा था। आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं यहाँ पे, आपको पिंक, ब्लू, रेड सारे ही तरीके के कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। सो डेफिनेटली ऐसे स्टॉल ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको बहुत ही अच्छी शॉपिंग का एक्सपीरियंस हो। एंड मुझे यहाँ पे ये जो टॉप थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सो यहाँ पे 200 की सेल चल रही थी। सो यहाँ पे आपको कुछ क्रॉप टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये क्रॉप टॉप थे, शॉर्ट टॉप थे एंड आप देख रहे हो प्रिंट कितने प्यारे हैं, मतलब ये मिकी माउस वाला पिंक कलर में तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा प्रिंट इसका आ रहा था।
एंड ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे पांडा और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आपको ओवरसाइज टी शर्ट भी मिल जाएंगे जो कि भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो उसमें भी मैं आपको कलर ऑप्शन दिखा रही हूँ, प्रिंट दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट स्कर्ट्स दिखा रही हूँ ताकि अभी अगर आप कुछ न्यू वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहते हो सो वो भी कर सकते हो सरोजनी में, उसका भी आपको अच्छे से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके की शॉर्ट स्कर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इनका अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग स्टाइल है। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इनको ट्राई कर सकते हो और अपने लुक को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको शॉप नंबर 130 पे ले जाती हूँ जहाँ पे आपको ओवरसाइज टी शर्ट का मतलब यू नो पिटारा मिलने वाला है और हर तरीके की ओवरसाइज टी शर्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। हर टी शर्ट में आपको अलग अलग प्रिंट्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। सो डोंट वरी गाइज, आपकी जो भी आप कलर माइंड में सेट करके आ रहे हो डेफिनेटली ऐसी शॉप पे विजिट कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, हर तरीके के प्रिंट्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ये शिनचैन, डोरेमोन और नोबिता वाले भी प्रिंट्स इतने प्यारे प्यारे थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट 3 to 4 टी शर्ट बाय किए थे। अगर आप मेंस के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये शॉप उसी के लिए है, बट वुमेंस भी ट्राई कर सकती है। नेक्स्ट मैं आपको ये स्टॉल दिखा देती हूँ जहाँ पे 250 में पूरा नाइट सूट मिल रहा था। एंड 250 में गाइज मेरे एरिया में तो नाइट सूट पूरा मिलता ही नहीं है, 1000 के ऊपर ही जाता है और भैया के पास ना मटेरियल बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ विंटर कलेक्शन जो कि बहुत ही यूनिक था। यहाँ पे आपको विंटर कलेक्शन प्लस नॉर्मल टॉप वगैरह भी मिल जाएंगे। सो सरोजनी में विंटर कलेक्शन ऑलमोस्ट इन हो चुका है, सो आप चेकआउट करना। एंड कलेक्शन भी अच्छा लग रहा था भैया के पास में। सो मैं आपको एक एक करके दिखा रही थी कि कैसा कलेक्शन आया हुआ है। देन मैं आपको दिखाती हूँ 80 रुपीज़ में डेनिम के शर्ट एंड जैकेट। तो 80 रुपीज़ में डेनिम के शर्ट और जैकेट मिलना इम्पॉसिबल है गाइस, कहीं भी आप चले जाओ 80 रुपीज़ में ये डील आपको नहीं मिलती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सरोजनी में मिलेगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस शूज़ का कलेक्शन। भैया के पास में शूज़ का कलेक्शन इतना यूनिक लग रहा था ना, जो शूज़ आपको ऑनलाइन 500-600 में मिलेंगे वो यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, वो यहाँ आपको ओनली 350 रुपीज़ में मिल रहे थे। सो डेफिनेटली एक बार ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे आपको ज़ारा, H&M के और यू नो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो एयरपोर्ट स्टाइल जो लुक क्रिएट करते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सी बार, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरीके के नाइट सूट का कलेक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे आपको सैटन के मटेरियल्स में जो नाइट सूट होते हैं उनका फैब्रिक भी मिल जाता है। प्लस मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ ज़ारा, H&M के ड्यूप्स, अगर आपको चाहिए, आप शौकीन है ज़ारा H&M के कपड़े पहनने में, सो वो यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट करना। यहाँ पे मैं आपको सारे ही बाहर शॉप से दिखा देती हूँ कि कौन सी शॉप पे आपको जाना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि यहाँ पे आपको कलेक्शन कितना अच्छा मिल रहा था, 200 की यहाँ पे आपको सेल में, 200 की यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर में यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे से फ्लैट्स मिल रहे थे जो कि ऑनलाइन आपको 400-500 की रेंज में मिलेंगे, बट यहाँ पे ओनली 200 की रेंज में मिल रहे थे। एंड यहाँ पे आपको हील्स का कलेक्शन आप देख रहे हो कितना सही है, मुझे ये पिंक वाला इतना प्यारा लगा था, मतलब अभी के लिए तो डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा, कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे आपको ओवरसाइज टी शर्ट मिल रहे थे। सो मैं नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ शॉप नंबर 106 और यहाँ की जो शॉप है, सॉरी ये शॉप नंबर है 128 और यहाँ का जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको एक साइड टॉप वगैरह मिल जाएंगे गर्ल्स के लिए एंड एक साइड शूज़ का जो कलेक्शन है, ओ माय गॉड, शूज़ इतने प्यारे प्यारे हैं भैया के पास में, मतलब मैं बता नहीं सकती क्योंकि इनका कलेक्शन पूरी सरोजनी में मुझे सबसे ज़्यादा शूज़ का कलेक्शन भैया के पास ही लगता है क्योंकि यहाँ पे इनके पास इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी में शूज़ है ना, आई कांट एक्सप्लेन। सो डेफिनेटली एक बार आप ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज, यहाँ पे कॉर्डसेट का कलेक्शन मिल रहा था जो कि ओनली 250 रुपीज़ में कॉर्डसेट मिल रहे थे। प्लस यहाँ पे नाइट शूज भी मिल रहे थे जो कि कितने प्यारे प्रिंट्स में, मतलब एकदम बहुत ही क्यूट वाले जो प्रिंट्स होते हैं ना उस वाले मटेरियल में आपको नाइट सूट का कलेक्शन है। देन मैं आपको दिखा देती हूँ ज़ारा H&M पे जो बहुत महंगे जो कॉर्डसेट मिलते हैं ना, मतलब उनका प्राइस जो होता है 800-900 रुपीज़, वो यहाँ पे ओनली आपको 350 में मिल रहा था। ये ग्रीन वाला कॉर्डसेट मुझे इतना सुंदर लगा था, ओनली इसका प्राइस है 350 रुपीज़। अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हो तो 250 तक भी आपको मिल सकता है। सो डेफिनेटली बार्गेनिंग ज़रूर करना। एंड कलेक्शन बहुत ही अच्छा था भैया के पास में, बहुत ही प्यारे प्रिंट्स थे, कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको इयररिंग का कलेक्शन। नवरात्रि आ रही है और ऑलमोस्ट गाइस दिवाली और सारी चीज़ें, फेस्टिव सीजन आने वाला है,
वेडिंग सीजन आने वाला है, सो कुछ इस तरीके के जो इयररिंग्स है ना डेफिनेटली हमें मिस नहीं करने चाहिए, और ऐसे इयररिंग्स तो हमें बिल्कुल ले ही लेना चाहिए ताकि हमारे लुक को हम क्रिएट कर सके और कुछ इस तरीके से अच्छे से सेलिब्रेट कर सके हर फेस्टिव सीजन, हर वेडिंग सीजन। तो आपको कुछ इस तरीके के इयररिंग्स मिल जाएंगे भैया के पास में ओनली ऑन 250 रुपीज़। यहाँ पे लास्ट प्राइस आता है, यहाँ पे 30 रुपीज़ से इयररिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। 250 में तो वो वाले इयररिंग्स मिल जाएंगे जो मार्केट में आपको 800-900 के मिलते हैं, वो भैया के पास में ओनली 250 में मिलने वाले। नेक्स्ट मैं आपको 30-30 रुपीज़ के इयररिंग्स दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप कोई भी इयररिंग्स लो ओनली 30 रुपीज़ भैया के पास में प्राइस है। तो यहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट करना। एंड कुछ इस तरीके के नवरात्रि लुक क्रिएट करने के लिए आपको ब्रेसलेट्स वगैरह चाहिए, कड़े वगैरह चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड ये इयररिंग्स देख रहे हो, मतलब एक टाइम पे ना इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग थे ना ये, बट अब यहाँ पे ओनली 30 रुपीज़ में मिल रहा है। सो डेफिनेटली चेकआउट करना गाइज। सो यहाँ पे आपको सामने शॉप भी दिख रही है कि कौन सी शॉप के सामने भैया बैठते हैं, सो वो भी आप चेकआउट कर लिया करो। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि यहाँ का यहाँ पे भैया के पास में बहुत सारे कॉर्सेट के ऑप्शन थे, प्लस यहाँ पे आपको मेंस वेयर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पास में आपको बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, विंटर कलेक्शन आ चुका है, अगर अपने आप बच्चों के लिए कपड़े लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज इनका मटेरियल इतना सॉफ्ट था ना, आई कांट एक्सप्लेन। बस यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए ऑप्शन था, एंड आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज यहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे थे ना, अगर इसमें अगर बड़ों के मिलते ना तो मैं डेफिनेटली ले लेती बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इनका फैब्रिक इतना ही सॉफ्ट लग रहा था मुझे। सो गाइस नेक्स्ट आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा जो कि सरोजनी नगर मेकअप वीडियोस बनाते हैं, जो कि यहाँ से मेकअप लेते हैं, चीप मेकअप लेते हैं, और वो अपने वीडियोस में दिखाते हैं कि सरोजनी का मेकअप किस तरीके का होता है। सो वो ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज सरोजनी में ना आपको जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, स्विस ब्यूटी और लैक्मे, लॉरियल, सारे ही ब्रांड के ड्यूप्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल चीप रेट में, यू नो 30-40-50 रुपीज़, इवन मैं कहूँगी 200 में आप पूरा एक मेकअप किट क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। सो डेफिनेटली एक बार ज़रूर चेकआउट करना यहाँ आकर। और मैंने यहाँ से सिर्फ 2 लिपस्टिक बाय करी थी जिनके शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एंड मैंने उन्हें अप्लाई करके भी देखा है, सो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज यहाँ पे जो जूतीस का कलेक्शन है वो कितना प्यारा है, और ये जो नियॉन कलर्स की जितनी भी हील्स वगैरह थी वो कितनी ज़्यादा सही लग रही थी, और बाहर देख रहे हो 250 की सेल में ना आपको कितने अच्छे अच्छे फुटवेयर्स मिल रहे थे। सो यहाँ पे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे भैया के पास में 80 रुपीज़ का कलेक्शन था, यहाँ पे आपको कितने अच्छे टी शर्ट, टॉप और सारी चीज़ें मिल रही है। बस इसमें से आपको अच्छे से चेक करना है, और जो भी आपको चीज़ पसंद आए आप अच्छे से चेक करिए, देन उसके बाद उसको लीजिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। एंड आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है भैया के पास में, जो कि मैंने सारे एक्सप्लोर किए हैं। एंड पास में ही एक और 80 रुपीज़ का स्टॉल था, सो मैंने वो भी चेकआउट किया। सो ये जैसे आप हल्दीराम के सामने वाली लाइन में देख रहे हो, अगर आपको पता है सरोजनी में हल्दीराम कहाँ है तो इस शॉप पे विजिट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ पे मुझे लड़कियों के लिए स्पेशली यहाँ पे पजामा सेट बहुत अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे नाइटवेयर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो डेफिनेटली आप चेकआउट करना एक बार इस शॉप पे भी। सो शॉप नंबर है 190, एंड यहाँ की जो शॉप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो शॉप नंबर 88 एंड ये वाली शॉप, ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट है नाइटवेयर में। सो यहाँ के जो नाइट सूट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और यहाँ पे आपको हर तरीके में साइज़ मिल जाएगा। सो कोई भी अगर आप चीज़ लेते हो उसमें अगर आपको साइज़ इशू आ रहा है तो आप डेफिनेटली साइज़ भी ले सकते हो। पास में ही आपको यहाँ पे बच्चों के खिलौने की बहुत ही अच्छी शॉप मिल जाती है, जहाँ की आपको 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ की सेल में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे। सो वो ज़रूर देख लेना, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ 250 रुपीज़ में कुछ इस तरीके का टॉप का कलेक्शन दिखा रही थी, जहाँ पर आपको गाइस ज़ारा H&M के टॉप्स मिल रहे थे। आई कांट इमेजिन के ज़ारा H&M के कपड़े 250 रुपीज़ में भी मिल सकते हैं क्या, बट यार सरोजनी में इट्स पॉसिबल। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, माई गॉड इतने प्यारे इयररिंग्स, मतलब अगर आपने फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन में अगर इनको कैरी किया ना तो मैं कह रही हूँ 100 लोग 1000 लोग डेफिनेटली पूछेंगे आप कहाँ से लाए हो। एंड 250 रुपीज़ इनका लास्ट प्राइस होता है, तो 250 रुपीज़ में ऐसे इयररिंग्स बाय करना
मतलब अपने ही आप में एक बहुत अच्छी डील होती है। सो ऐसे इयररिंग्स बिल्कुल मिस मत करिए। थोड़ा बहुत और बार्गेनिंग करेंगे आप, पहले भैया 350-450 बताते हैं, बट लास्ट आते आते 250-200 में भी आपको दे देंगे। सो कोई इशू नहीं आएगा। सो ऐसे इयररिंग्स ज़रूर चेकआउट करें। प्लस आपको यहाँ पे कितने सारे इयररिंग्स के ऑप्शन में दिखा रही हूँ, मतलब इतने तो आपको शॉप पे भी नहीं दिखाएंगे। अगर आप शॉप पे लेने जाते हो तो वो भी आपको 20 या 30 पीस दिखा के ना बस बोल देंगे आपको लेना है, तो ठीक, नहीं तो नहीं। बट यहाँ पे आपको मतलब 100-200 पीस यहाँ पे आपको जस्ट सामने दिख रहे हैं, तो कितना अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक सेकंड स्टॉल दिखा देते हैं जहाँ पे भैया के पास में 30 रुपीज से इयररिंग्स स्टार्ट हो रहे थे, और 30 रुपीज में और क्या ही मिल सकता है गाइज। आप देख रहे हो ऑक्सीडाइज इयररिंग्स का कितना प्यारा कलेक्शन है भैया के पास में, मतलब देख के ही मज़े ही आ जाए। ऐसे इयररिंग्स अगर आपको 30-30 रुपीज़ में मिलने को देखने को मिले तो और क्या ही चाहिए हमें। सो कुछ इस तरीके की 30 रुपीज़ का इयररिंग्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट क्या एंड ही हो जाता है, मतलब 30 रुपीज़ लास्ट प्राइस है भैया के पास में। और कुछ इस तरीके के मैं आपको स्वेटर्स दिखा देती हूँ जो कि 100-150 की रेंज में यहाँ पे स्टार्ट होंगे, एंड कलेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही डिफरेंट है। एंड फैब्रिक की बात करूँ गाइस तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। सो या मैंने यहाँ से चेकआउट किया है, देन सामने आपको 150 रुपीज़ की सेल भी दिख रही होगी। और कुछ इस तरीके की दोनों तरफ यहाँ पे आपको सरोजनी में इस तरीके के स्टॉल देखने को मिलते हैं। सो वो आप चेकआउट करना, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बेलीज में भी हील्स का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की सेल में शर्ट का कलेक्शन देखने को मिलेगा। सो ये 100 रुपीज़ की सेल चल रही थी, एंड यहाँ पे आपको शर्ट प्लस टॉप का कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। बस आपको इसको अच्छे से चेक करना है, और आपको जो भी पसंद आए आप वो यहाँ से ले सकते हो गाइस। सो कुछ इस तरीके का कलेक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड कलेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा था। नेक्स्ट मैं अपनी फेवरेट शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे ना मतलब एकदम इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे ओनली ऑन 30 रुपीज़ में गाइस। मैं मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि 30 रुपीज़ में इतने अच्छे इयररिंग्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की सेट में यहाँ पे आपको पजामा मिल रहा था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड कलेक्शन बहुत ही यूनिक लग रहा था, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। सो कुछ इस तरीके के पजामा सेट मिल रहे थे आपको, एंड जस्ट इसी के सामने ये भैया अपने ऑक्सीडाइज इयररिंग्स का मतलब पिटारा लेके बैठे थे, और माय गॉड इतने प्यारे इयररिंग्स हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड इयररिंग का कलेक्शन इतना ज़्यादा यूनिक लग रहा था ना, मतलब एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा था भैया के पास में। प्राइस थोड़े से हाई थे आई नो, 200 रुपीज़ भैया बता रहे थे, बट या थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करोगे तो 150-100 तक मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा हमें क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट। ऐसे शॉप में हमें 150 में चीज़ें मिल रही है तो दैट्स इट, गुड डील है। सो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको एक और शॉप दिखा देती हूँ जहाँ पे इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा था, और देख रहे हो कितने बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, मतलब जो आप सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करते हुए देखते होंगे जब वो उनकी शूटिंग्स में या कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जब वो ये इयररिंग्स कैरी करते हैं। यहाँ पे जैसे ही गेट नंबर 3 से अगर आप एंटर करते हो तो यहाँ पे साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये शॉप दिख जाती है जहाँ पे भैया के पास में 50 रुपीज़ के हैंडमेड इयररिंग्स हैं। सो 50 रुपीज़ में आपको हैंडमेड इयररिंग्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इतने अच्छी डील यहाँ पे आपको दिखती है, और मतलब आपको 200 से ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, तो डेफिनेटली इस स्टॉल भी ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज, यहाँ पे बॉयज़ का कलेक्शन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर देते हैं, और अगर आपको बॉयज़ का कलेक्शन चाहिए, एक सेपरेट वीडियो चाहिए, सो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको सरोजनी में मेकअप का कलेक्शन, कितना यूनिक मेकअप मिल जाता है सरोजनी में, सो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। मेकअप में आपको यहाँ पे लिपस्टिक मिल जाएगी, मस्कारा मिल जाएगा, आई शेडो पैलेट मिल जाएंगे, ब्रश मिल जाएंगे, और आप ब्रश देख रहे हो ब्रश की क्वालिटी भी ना A1 है, मतलब कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे आईलैशेस मिल जाती हैं यहाँ पे आपको। आईलैशेस में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड मिल जाएंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए। नेल पेंट का कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा लग रहा था भैया के पास में। सो गाइज अगर आपको सरोजनी के मेकअप को एक्सप्लोर करना है, सो मैं कहूँगी डेफिनेटली एक बार आप पेस्ट टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि बिना पेस्ट टेस्ट के आप मत लीजिए यहाँ से मेकअप। और अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं एक बार तो डेफिनेटली आप ट्राई कर लेना। सो यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग ब्रश मिल जाएगा, ब्रश की मतलब मैं क्या कहूँ, पूरी आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी मेकअप में। आप चाहे भैया से कुछ भी मांगिए, कोई भी ब्रांड मांगिए, सारे ब्रांड आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना यहाँ पे आकर। नेक्स्ट मैं आपको जो स्टॉल दिखा देती हूँ गाइज, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की सेल में जो टी शर्ट्स और जो टॉप मिल रहे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। सो आप वेराइटीज़ देख लो कितने कलर्स यहाँ पे हैं, एंड आप देख रहे हो कितने कलर्स हैं और कितने ही प्रिंट्स हैं, कोई भी प्रिंट आपको रिपीट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे चेक पैटर्न मिल जाएगा, और कितने ये पिंक वाला कितना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे ये ऐसे कलर्स जो होते ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये चेक पैटर्न में कितना प्यारा लग रहा था, और ओनली 100 रुपीज़ में।
बस आपको सिर्फ चेकआउट करना है और अच्छे से चेक करके लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 200 की सेल लगी थी और यहाँ पे आपको विंटर का कलेक्शन दिखाती हूँ मैं, आप देखिए बस जस्ट विंटर कलेक्शन देखिए यहाँ का, और इतना प्यारा विंटर कलेक्शन था ना, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के कि ऐसे विंटर कलेक्शन अगर हमें 200 की सेल में मिल जाए ना, तो मैं मतलब पूरे विंटर्स के लिए अलग अलग यहाँ से ले सकती हूँ और अलग अलग स्टाइल कर सकती हूँ गाइज। सो आप देख रहे हो यहाँ के कलर्स कितने प्यारे थे, क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही थी, मतलब टॉप की क्वालिटी लग रही थी। सो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, एंड ऐसे स्टॉल ना डेफिनेटली हमें मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही स्टॉल पे हमें कभी कभी ना बहुत ही अच्छे टॉप मिल जाते हैं, जो कि आप जब भी वेयर करते हो ना तो लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, एंड आप बता सकते हो 900, 1000, 2000 में लिया है, एंड डेफिनेटली ऐसे टॉप तो लेना ही चाहिए आपको। सो ज़रूर चेकआउट करना। सो गाइस नेक्स्ट अप बारी आती है गिव अवे के विनर्स अनाउंस करने की। सो यहाँ पे गिव अवे के विनर्स का जो भी नाम है और जो भी उन्होंने मुझे कमेंट किया था वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, ताकि आप देख सकते हो कि उन्होंने कितना प्यारा मैसेज मुझे किया है, कितना प्यारा कमेंट किया है। सो जो भी गिव अवे के विनर्स हैं यहाँ पे नाम आ रहा होगा, वो मुझे आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें। सो shivijain19 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो वो आप चेकआउट करना, एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन हम आगे की प्रोसेस करते हैं कि आपको जो गिफ्ट है वो मैं कैसे भेज सकती हूँ, एंड आपको क्या करना है उसके लिए, आपका जो भी एड्रेस वगैरह आप मुझे उस वक्त बताइए ताकि हम आगे की प्रोसेस कर पाए। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये गिव अवे विन किया है। सो या थैंक यू, एंड चलिए हम वीडियो की एंडिंग पे आ जाते हैं। एंड गाइज आपको मुझे अभी भी एक गिव अवे ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने आज इस वीडियो में अनाउंस किया है, सो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे कमेंट करना है, एंड देन आप नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं कि गिव अवे का विनर कौन है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो, एंड स्टे होम एंड स्टे हैप्पी, एंड नेक्स्ट गिव अवे के विनर्स बनने के लिए आपको सिर्फ मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना है, सो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, एंड या आई होप आप जीते। सो या बाय, टेक केयर।